वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, उसमें कुछ बुक्स आप लोग अच्छे से अपनी बुक में फिलअप कर लिए होंगे सब कुछ। तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में ये क्या लिखा हुआ है, क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है। ओके, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, वी कैन नॉट टेल विल हैपन इन अ मिनट, वी हैव नो कंट्रोल ऑफ टुमारो एंड इट्स डिटेल लाइफ और लीव अ केयरफुल लाइफ। ये क्या बोल रहा है कि लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मीन्स कब क्या होगा हमें नहीं पता है। आपको पता है क्या कि अभी थोड़ी देर के बाद बारिश होगी या थोड़ी देर के बाद धूप रहेगा, पता है नहीं पता, हमें हम में से किसी को भी नहीं पता। तो ये क्या है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है हमारी लाइफ में। हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि नेक्स्ट मिनट में क्या होगा, कौन कौन बीमार रहेगा, क्या बारिश होगी या नहीं होगी, सब कुछ हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि अभी तुरंत एक मिनट के बाद क्या होगा। ओके, वी हैव नो कंट्रोल ऑफ टुमारो एंड इट्स डिटेल, मतलब हमें कल के बारे में और कल के डिटेल्स के बारे में कि कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस चीज़ के बारे में हमें कोई डिटेल नहीं है। ओके, लाइफ लीव अ केयरफुल लाइफ, मतलब अगर हमें पता है कि हमें कल नहीं है तो क्यों नहीं हम अपना आज ही अच्छे से जिए। अगर हमें पता रहता है कि हाँ हम कल नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है तो हम कल पे क्यों छोड़ें, हम आज ही वो काम करेंगे ना। हम क्यों बोलेंगे कि नहीं मैं ये काम कल करूँगा, मैं ये काम कल करूँगी, क्यों बोलेंगे आप, हम आज ही वो काम को कर लेते हैं, है ना। तो चलिए अब इस स्टोरी में देखते हैं, हमारा चैप्टर 3 का स्टोरी है एन एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर के बारे में देखते हैं क्या है स्टोरी में। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन एस्ट्रोनॉमर इन अ टाउन, हिज नेम वाज प्रभाकर। एक टाइम में क्या था कि एक टाउन था, टाउन में कौन रहता था, एक एस्ट्रोनॉमर रहता था। एस्ट्रोनॉमर मीन्स क्या होता है, जो तारों का वो देखता है आसमान में, जो तारे रहते हैं वो तारों को देखता है, अपनी पढ़ाई करता है और वो पता करता है कि कौन सा तारा कैसा है, कौन सा तारा दूर है, कौन सा तारा पास है, वो यही चीज़ देखता है, स्टडी करता है अबाउट द स्टार्स। ओके, तो और उसका नाम क्या था उस एस्ट्रोनॉमर का, प्रभाकर नाम था एस्ट्रोनॉमर का। एज वी नो दैट एस्ट्रोनॉमर साइड स्काई वॉचर्स, मैंने आपको बोला कि एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं, आसमान में देखते हैं, तारों को देखते हैं, तारों को देख के वो क्या करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा तारा पास है, कौन सा तारा दूर है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है दे यूज टू गो आउट एट नाइट इन द ओपन एंड वॉच द स्टार्स। वो क्या करते हमेशा क्या करते हैं, वो रात के समय में बाहर जाते हैं, बाहर जाके वॉच करते हैं स्टार्स को, मतलब स्टार्स को देखते हैं और घूमते हैं, घूमते घूमते देखते हैं स्टार्स को, स्टडी करते हैं। प्रभाकरण वाज आल्सो इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग द स्टार्स, प्रभाकरण को भी इसी चीज़ की आदत थी। क्यों, क्योंकि वो भी एक एस्ट्रोनॉमर था ना, एस्ट्रोनॉमर था तो उसको भी इस चीज़ का आदत था, किस चीज़ का, बाहर जाना और बाहर जाकर रात में तारों को देखना। एवरी नाइट ही यूज्ड टू गो आउट एंड वॉच स्टार्स, हर रात में वो क्या करता था, बाहर जाता था और क्या देखता था, स्टार्स को देखता था। वन नाइट प्रभाकरण वाज गेजिंग एट द स्काई क्लोजली एट द सेम टाइम ही वाज मूविंग अहेड। एक रात क्या होता है कि प्रभाकरण जा रहा होता है वैसे ही, जैसे वो हर रोज तारों को देखते जाता है, वो एक दिन और एक दिन क्या होता है कि वो देखते तारों को जा रहा होता है, वो चल आगे रहा होता है लेकिन देख कहाँ रहा था, ऊपर देख रहा होता है। ओके, he got so much involved in the sky watching that he forget where he is walking and suddenly he got stumbled against the edge of a dry well and fell into it. क्या होता है कि वो जाते रहता है और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान में चला जाता है कि देखते देखते कि क्या है स्टार, कौन सा स्टार पास है, तो बहुत ज़्यादा देखने में मगर हो जाता है और क्या होता है अचानक से एक आगे में बेल रहता है, वो उस बेल में गिर जाता है। ओके, इसके बाद फिर स्टोरी हम लोग नेक्स्ट